नमस्कार विजय, कैसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही है गांव अभयपुर से, जहां पर आपको बताएंगे कि गांव है और जिस गांव के अंदर जो छोटी मोटी जो जरूरतें होती हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है सामान की, जैसे कि दूध हो गया, राशन हो गया, जैसे कि खबर बताई गई है प्रशासन के द्वारा, जो है राशन की दुकानें हो गई, दूध दही की दुकानें हो गई, इन सबके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन जो कुछ दुकानदार जो है वो काफी विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या पूरा मामला है एक बार जानने की कोशिश करेंगे। जो दुकानदार हमारे साथ खड़े हैं एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। क्या दिक्कत परेशानी आ गई जो आप लोग खड़े हैं यहाँ पर और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि हाँ प्रशासन गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है आपके साथ? सर गलत कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं हम प्रशासन के साथ हैं बिल्कुल, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है हम भी उसके साथ हैं। पर आपको पता है जो जरूरत की चीज़ें हैं, अब हमने दूध ले रखा है वो हमारा ख़राब हो गया, कुछ ऐसा रूल हो भी अब दूध के लिए कल बताया गया था कि प्रशासन की तरफ से साफ साफ बता दिया गया था कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत थी? सर अब मान लो जिसको 10 रुपये का चाहिए दूध वो होम डिलीवरी हम कैसे करेंगे, चलो हमारा नुकसान हो रहा है, पर सर जो गाइडलाइन है अब आधी दुकानें खुली हैं अभयपुर में, आधी बंद हैं, या तो फिर सबको बंद करो। अब कालाबाजारी भी हो रही, शायद आप अंदर नहीं गए, आप अंदर जाके देखो जो दूध का पैकेट 20-22 रुपये का वो 30 रुपये का बिक रहा है। तो कहने का मतलब ये है हम प्रशासन के साथ हैं जो प्रशासन ने किया, पर हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है, उसका भी कोई ऐसा सिस्टम हो भी हम होम डिलीवरी कर सकें, या हम शटर उठाते हैं प्रशासन जो आपके प्रशासन के वो ये तो देखते नहीं हमने किस वजह से दुकान का शटर उठाया है, पर हम ये हम साथ हैं, पर ये थोड़ा सा हमारे हम ये कहते हैं हमारे दुकानदारों के लिए भी कुछ थोड़ा देखा जाए। नहीं तो प्रशासन ने अगर लॉकडाउन लगाया तो पहले ही सचेत कर दिया गया था कि हाँ जो लॉकडाउन लगेगा इसमें राशन की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, परचून की दुकान बंद रहेगी, दूध दही की बंद रहेगी, उसके बावजूद फिर आप लोगों को थोड़ा इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि समय शाम को 4-5 बजे बता दिया गया था कि हाँ जी सारी दुकानें बंद रहेंगी। सर ऐसा है हमने इंतजाम किया, हम दूध वाले को एडवांस दे के रखते हैं, हम 2 दिन का उसको पहले ही एडवांस दे देते हैं, इतनी हमें लस्सी चाहिए, इतना दूध चाहिए। अब हम दूध वो हमारा ख़राब भी हो गया, चलो वो तो अब हम अपने घर में यूज कर लेंगे, पर हमें ये बताया जाइए ना, अभी हमारे आसपास भी दुकानें खुली हैं। नहीं कौन से आपके आसपास की बात करें, एक बार कैमरा पर्सन से बोलूँगा दिखाने, सारी दुकानें तो बंद पड़ी हैं, आप दिखाएंगे जरा? वो शटर अभी गिर गया, अभी थोड़ी देर पहले खुला ही था वो, तो जब हम खुद यहाँ पहुँचे हमने देखा एक दुकान खुली हुई थी, और मीडिया का उन्होंने जब माइक आईडी देखा तो उन्होंने दुकान खोल बंद कर दी। मीडिया को तो देख के तो सारी दुकानें बंद कर देते हैं, कहने का मतलब ये है अभी आप कोई बिना उससे माइक से आप दिन में आप अपना इंटरव्यू कर लो या रात को आपको दुकानें खुली मिलेंगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी वैसे आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है, इससे हम उनके समर्थ कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े लॉकडाउन में, लेकिन कुछ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे दूध है, डेली दूध दे जाता है, छोटे बच्चे हैं उनको डिलीवरी देनी हो 10 की चीज़ क्या डिलीवरी देंगे हम, और रोज़ की चीज़ें जो आपकी दुकान भी दूध की ही है? हाँ मेरी दुकान किराने की दुकान है मेरी। अच्छा किराने की किराने दुकान है, पैसे बाहर दूध डिलीवरी लेने जा सकते हैं आप, दूध लेने जाएंगे दूध डिलीवरी किसी को देंगे हम डेली चीज़ें। आप कह रहे थे कुछ किराने की दुकानें खुली हुई हैं, आपकी दुकान बंद करा दी गई लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई हैं, वो कौन सी दुकान है जो खुली हुई हैं? पड़ोस की दुकानें तो खुली हुई थी। दुकान पे दुकान है आपकी? अभी दुकान अभीपुर में दुकान है। किस तरफ आपके आस पड़ोस की कोई दुकान का नाम पता है जो दुकान खुली थी? जो के पास दुकानें हैं 2-3 दुकानें हैं जिसमें एक दुकान खुली थी, बाकी दुकान बंद करा देते थे। जो रूल है सबके लिए एक रूल बनना चाहिए, जो सबके लिए बनना चाहिए, और कुछ तो रियायत देनी चाहिए कि हम जो बाहर रोजमर्रा चीज़ है कैसे उसको डिलीवरी करें, कुछ तो टाइम मिले हमें भी ना, तो हम कहाँ से अपना किराया भरेंगे, कहाँ से खाएंगे क्या खाएंगे, छोटी दुकान कर बैठे हम, और कहाँ से क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो समझ आता है कि दिक्कत परेशानियाँ सबके साथ है। जो और दुकानदार हैं, जिस तरह आपकी चलो परचून की बात करी जाए, राशन की दुकान की बात करी जाए, और दुकानदार हैं, कुछ मोबाइल के दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार हैं, कुछ और भी कई बिजनेस हैं जिनकी दुकानें सबकी बंद, बड़े बिजनेस तो उनका भी ठप हो रखा है इस टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी बात जो कहने वाली है कि प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है कि ये दुकानें खुली रहेंगी, ये दुकानें बंद रहेंगी, बावजूद उसके प्रशासन की कोई अवमानना करता है, वो सबसे गलत बात है। हाँ सबको एक निगाह से को देखा जाए ना दुकानों को, सबको जब सारी बंद हो, जो रूल सबके लिए एक रूल बनना चाहिए ना इस गवर्नमेंट का, कि मतलब एक के लिए रूल है और 2 के रूल नहीं है। ये कौन सा गांव पड़ता है जी? ये अभयपुर पिंड है जी। ठीक है, हाँ जी। कुछ बोलोगे भाई साहब आप भी? हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है जैसे हमने दूध का ऑर्डर दिया था रात में, सुबह पता चला कि सारी दुकान आपकी दुकान भी दूध की है क्या? हाँ दूध राशन की परचून की दुकान है, सारे कुछ का होता है। जैसे यहाँ पे अभयपुर में जो लेबर क्लास के बंदे रहते हैं वो 5-5 रुपये चीनी, 5 रुपये चाय पत्ती, 10 रुपये दूध लेने आते हैं, उसको इतने दिक्कत हो रहा है। मैं पुलिस वाले बोला जी दूध है, जो बोले नहीं जी दुकान नहीं खोल सकते अब बंद है सरकार ने। ठीक है, दूसरा आप कह रहे थे कि हाँ दुकानें जो है कुछ आपकी दुकान बंद करा दी गई लेकिन बाकी दुकानें जो है खुली रह गई, और प्रशासन उसको पता भी है दुकान खुली है, लेकिन आप क्या वो क्या बात थी जरा बताओ? मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन मैंने दुकान खोली थी थोड़ी देर के लिए, बोला कि नहीं जी दुकान नहीं खोल सकते आप, बंद करो, सिर्फ दूध बाहर रख के आप बेच सकते, नहीं तो आप चले जाओ। हमने तो दूध था उसको। कोई दुकान अभयपुर में आपकी दुकान के अलावा कोई दुकान खुली भी थी क्या यहाँ पर, जिस तरह बताया था आपने भी कि हाँ राशन की दुकान मेरी बंद करा दी लेकिन दूसरी कोई दुकान 2-3 दुकानें खुली थी यहाँ पे? मैंने नहीं देखा जी खुली थी, मैं तो थोड़ी देर के लिए आया था फिर मैं अपना बंद करके चला गया था। ठीक है जी।
तो जैसा कि दुकानदार हैं यहाँ पर, इन लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह हमारा राशन की बात करी जाती है तो राशन के प्रशासन के ये लोग साथ हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग जो हैं अपना पैसा, जिसे कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, अगर वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर दुकानें बंद की गई हैं तो सभी की बंद करी गई है तो सभी बंद रहे, प्रशासन ने जिसको चेताया है कि हाँ ये दुकानें खुलनी चाहिए और ये दुकानें बंद रहनी चाहिए, तो ये लोग प्रशासन के साथ हैं। दूध खराब हुआ इनका वो भी सहने को तैयार हैं, ये दही खराब हुई इनकी वो भी सहने को तैयार हैं, लेकिन अगर इनकी दुकान अगर प्रशासन ने बंद कराई है और दूसरी दुकान भी बंद करने का आदेश है लेकिन वो चोरी छिपे अगर दुकान खोलते तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना जरूर होगा। और ये अभयपुर का मामला है, आपको दिखाएंगे पूरा एक बार, जरा लोकेशन दिखा देंगे, पार्क है अभयपुर का सबसे बड़ा पार्क है यहाँ पर, इस पार्क के सामने दुकानें जो हैं, जो लोगों ने आरोप लगाए कि हमारी दुकानें तो बंद करा दी गई हैं लेकिन बावजूद जो और किराने की दुकानें हैं उन दुकानों को खोल के रखा गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट बता दें आपको, फिलहाल जो है इन लोगों की और हमारी भी यही गुजारिश है और अपील है कि कम से कम जो दिशा निर्देश दो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं उनका ठीक से पालन हो। अगर प्रशासन ने दुकानें बंद कराई हैं तो दुकानें बंद रहें, अगर प्रशासन दुकानें खुलवाता है तो दुकानें खुलनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना, जितना खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय।